हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक शेयर से रिलेटेड, जिसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में गिरावट के बेशक से इंडेक्स में 7% हुई है, बस शेयर जिस तरीके से इंडेक्स में गिरावट हुई है ना, वो गिरावट इस तरीके से गिरावट नहीं हुई है कि एक साथ ही गिरावट हो गई हो। यहाँ पर गिरावट क्या हुई है, गिरावट हुई, वहां पर नीचे आ गया, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, तब तक पोर्टफोलियो रिकवर नहीं हुआ, बट फिर दोबारा गिरावट आ गई, तो जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो शायद 10%, 15%, 20% नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, आपको दिखा रहा है कि इंडेक्स 7% गिरा बट पोर्टफोलियो 20% गिरा है। ठीक है, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि इंडेक्स में गिरावट कम होती है, पोर्टफोलियो की गिरावट ज्यादा दिखाई देती है। जैसे इंडेक्स जब भागता है तो केवल यहाँ पर आप देखोगे 146% भागा, बट तब तक शेयर की आप बात करोगे तो 200%, 300%, 400% तक भाग जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर होता हुआ नजर आया। तो इस गिरावट में देखिए, युद्ध को छोड़ के भाग जाना, मैदान को छोड़ के भाग जाना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, आपको क्या है, और ये ऐसा युद्ध है जहां पर आपकी जान तो नहीं जा रही। ठीक है, आपको यहाँ पर जब जितना आप डटे रहोगे, ये वो वाला युद्ध है। स्टॉक मार्केट का मैदान एक ऐसा मैदान है जहां पर आप जितना डटोगे, जितना ठहरोगे, ठीक है, जितना यहाँ पर आप पेशेंस रखोगे, तो उतना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पर छोड़ोगे मैदान को, आप जैसे ही मार्केट रिकवर होगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपने तो मैदान छोड़ दिया, बट मार्केट रिकवर हो गई, क्योंकि मार्केट हमेशा वो करती है जो आप नहीं चाहते। ठीक है, जो यहाँ पर आप जो चाहते हो उसके बिल्कुल ही अपोजिट यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक रिवर्सल का साइन 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनती हुई नजर आई है। अगर ये चीजें यहाँ से रिवर्स होती है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप 18,044 और उसके ऊपर का लेवल यहाँ पर देखते हुए नजर आओगे, अगर ऐसा ही हुआ जैसे कि मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ। वैल्यूएशन कंसर्न था, वैल्यूएशन ऑलरेडी नीचे आ गई है। वैल्यूएशन तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके पास है क्या। ठीक है, आपको अगर हम FIs की बात करें जो लगातार यहाँ पर बेच रहे हैं, जो कि अभी तक कल की डेट तक 82,000 करोड़, 83,000 करोड़ तक बेच चुके थे, आज का अभी डेटा आया नहीं है कि आज यहाँ पर इन्होंने कितना बेच दिया। अगर हम आज का डेटा निकालने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि अभी तक तो वो डेटा अपडेट नहीं हुआ है, बट स्टिल वैल्यूएशन का कंसर्न था। वैल्यूएशन पे बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूएशन पे चीजें मिल रही है, वही वैल्यूएशन चीजें आज मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, जिसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाई बनाया है 172 रुपीज का। ठीक है, 172 रुपीज का हाई बनाया है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 172 रुपीज से ये शेयर लगभग 39 से 40% तक यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आया। ठीक है, नीचे आता हुआ नजर आया, 35% मान के चलिए, 36% के आसपास नीचे आता हुआ नजर आया। तो एक तो सबसे पहले चीजें नीचे आ गई, तो वैल्यूएशन ऑलरेडी कम हो गई। और वैल्यूएशन किससे नापा जाता है, वैल्यूएशन को पी रेशियो से नापा जाता है। तो यहाँ पर पी की बात करें तो जहाँ पर दूसरे बैंक 10 के पी, 11 के पी, 12 के पी, जैसे कि हम सिटी यूनियन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर 11 के पी पे चल रहा है। यहाँ पर यूनियन बैंक की बात करें तो 5 के पी पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप कहोगे सर सिटी यूनियन के रिजल्ट अच्छे आए हैं, यूनियन बैंक के उससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यूनियन बैंक करता क्या है, आपको पता ही है, बैंकिंग है। ठीक है, पूरा यहाँ पर मर्चेंट बैंकिंग एजेंसी है, बिजनेस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब चीज करता हुआ नजर आता है, जो कि सारे के सारे बैंक यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 83,443 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है। पी की बात करें 5 के पी पर मिल रहा है, और जहाँ पर इनके पी की दूसरे पी की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पर लगभग 10 के पी पर मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 6 के पी पर मिल रहा है, पंजाब नेशनल 9 के पी पर मिल रहा है, इंडियन ओवरसीज बैंक 32 के पी पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वहां पर आपको यूनियन बैंक, जो कि एक बेहतरीन बैंक है, और ठीक है वो यहाँ पर कितने मिल रहा है, वो यहाँ पर आपको केवल 5 के पी पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडस्ट्री का P9 का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी जाता है तो भी आपके पैसे लगभग डबल होते हुए नजर आते हैं। आरओसी, आरओई का कंसर्न रहता है लोगों को, आरओई यहाँ पर देखोगे तो 15 का आरओई है, काफी अच्छा डिसेंट आरओई माना जाता है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ देखोगे 15% बढ़ता हुआ नजर आया, क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 100% बढ़ता हुआ नजर आया, यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट 1% है। यहाँ पर डेट की बात करें, डेट यहाँ पर लेंगे नहीं, डेट इक्विटी क्यों, क्योंकि काम ही डेट का, डेट देना है तभी जाके तो इंटरेस्ट मिलेगा। इंट्रेंसिक बुक वैल्यू देखिए 128 रुपए, उससे भी नीचे शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है 109 रुपए पर। ठीक है, यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए 271,
क्योंकि ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक भी गया तो आपके 200, यहाँ पर मोर देन 100% के रिटर्न आपके बन गए। फेस वैल्यू 10 की है, डिविडेंड 3 का है, डिविडेंड भी कंपनी देती हुई नजर आती है, तो ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो कभी शेयर 2010 में 400 रुपए के आसपास हुआ करता था, आज यहाँ पर 100 रुपए पे है, ठीक है, और पूरा दम रखता है कि ये शेयर यहाँ पर आपका 400 रुपए की तरफ यहाँ पर जाता हुआ नजर आए। क्यों हम कह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे पास डेटा है, तो हम उससे रिलेटेड बातें करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैंक को कहा, जहाँ पर ये 16,000 करोड़ 17,000 करोड़ का क्वार्टरली यहाँ पर अर्निंग कर रहा था, रेवेन्यू कर रहा था, वहां पर आप देखोगे धीरे धीरे बढ़ के 18,000, 19,000, 20,000, 21, 22, 23, 24, 25, 26, और अब यहाँ पर देखो 27,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 26,887 करोड़ का तो रेवेन्यू है, जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले 12 क्वार्टर में। वैल्यू देखनी है, वैल्यू तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, जब तक आप वैल्यू नहीं ढूंढोगे तब तक फिर क्या है। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर तो रेवेन्यू आ गया। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 17,720 करोड़ रुपए का यहाँ पर इंटरेस्ट है, एक्सपेंसिस इतना है, तो ओवरऑल हम बात करें तो 480 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर क्या है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई देता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे घाटे से, ठीक है, कंपनी कभी 1200 करोड़ का भी करती थी, बट अभी भी आप देखो 480 करोड़ रुपए का एक डिसेंट यहाँ पर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है, 2% का मार्जिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, मोस्टली जो इनकम होती है वो अदर इनकम मानी जाती है बैंक की, तो यहाँ पर अदर इनकम लगभग 6,000 करोड़ की आई है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 4,751 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि ईयरली क्वार्टरली दोनों बेस पर यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। कंपनी का ईपीएस, ठीक है, दूसरा ईपीएस देखोगे तो इतने नहीं, इसका ईपीएस यहाँ पर देखिए अच्छा खासा बढ़ रहा है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6, 6.22 का यहाँ पर ईपीएस आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर ग्रोथ साफ दिखाई दे रही है। एनपीए की बात करें तो यहाँ पर एनपीए देखना चाहते हो तो एनपीए देख लीजिए, आप यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर एनपीए भी दिखाई देगा, एक मिनट लीजिए तो मैं यहाँ पर आपको एनपीए भी दिखा देता हूँ कि कंपनी के एनपीए कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए एनपीए, एनपीए जो एक साल पहले 6.38% थे, वो अभी एनपीए 4.36% हो गए, तो एनपीएस कम होते हुए नजर आ रहे, क्वार्टरली बेस पे कम हो रहे हैं, ठीक है। और नेट एनपीए भी बात करें तो वो भी आप देखेंगे 1.3 से, ठीक है, अभी 0.98% होते हुए नजर आ रहे हैं, क्वार्टरली बेस पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आंकड़ा, बट ओवरऑल देखिए एनपीए 1% से भी यहाँ पर नीचे है, तो आपको इस चीज को भी यहाँ पर समझना होगा, ठीक है, कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है। और सेम सिटी यूनियन बैंक, जिसे आज लगभग 11-12% बढ़ाया गया है, उसका अगर एनपीए देखोगे उसका भी एनपीए यहाँ पर अच्छा खासा एनपीए यहाँ पर नजर आता है, यहाँ पर देखिए इनका एनपीए तो यहाँ पर दे भी रखा है, तो यहाँ पर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका एनपीए कितना है, इसका भी एनपीए कम होता हुआ नजर आया है, ठीक है, और यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे एनपीए कम होता हुआ नजर आया, बट ओवरऑल हम देखे तो ओवरऑल कंपनी यहाँ पर अच्छा करती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर ये कंपनी 285 करोड़ रुपए के आसपास जो कि एवरेज है इसका, ठीक है, फ्लैट ही यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है, वहां पर यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है, ठीक है। यूनियन बैंक की बात करें तो 4,751 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। ईयरली बेस पे परफॉर्मेंस देखोगे 25,000 से 1,00,000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू कर रही है कंपनी, नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 15,000 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 1.5 से 2 बिलियन का यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी घाटे से प्रॉफिट पे आई है, ठीक है। अब यहाँ पर और चीजें देखे तो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 2010 का जो डेटा है, ठीक है, 2010 में 413 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर 413 रुपए पे यहाँ पर शेयर चलता हुआ नजर आया था। अगर यहाँ पर हम 2010 का डेटा हमारे पास नहीं है, बट जिस हिसाब का यहाँ पर डेटा है, मुझे लगता है कि इतना 15,000 करोड़ का तो यहाँ पर शायद नेट प्रॉफिट नहीं आया होगा, ठीक है, और ना ही यहाँ पर रिवेन्यू, शायद यहाँ पर 1,00,000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू होगा, ठीक है, यहाँ पर ना ही मुझे नजर आता है कि यहाँ पर कंपनी के जो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर कोई कंपनी का 2,000-3,000 करोड़ का हुआ होगा, ठीक है, सिंपली 100-200-300 करोड़ के आसपास का हुआ होगा, और उससे बेटर पोजीशन पे हम यहाँ पर इस टाइम नजर आते हैं। और फिर भी यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक प्राइस 413 नहीं है, केवल केवल 100 है, तो इस चीज को आपको क्या है समझना होगा, और उस तरीके से आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। इसके अलावा हम बात करें रिजर्व्स की, कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं, लगभग 90,000 करोड़ के रिजर्व्स है, बॉरिंग साथ साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है जो कि अच्छी बात है, ठीक है, 12,051 करोड़ 12,51,000 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग हो गई है, जिसका फायदा कंपनी को आगे चल के मिलता हुए नजर आएगा।
ठीक है, वर्किंग प्रोग्रेस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी देखोगे 3,43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कैश की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 1,19,000 करोड़ का कैश पड़ा। देखिए इतनी अच्छी खासी कैश रिच कंपनी है। ठीक है, रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे खासे है। कंपनी की एसेट वैल्यू देखोगे तो 9,29,000 करोड़ की तो एसेट वैल्यू है। ठीक है, बोरिंग है, जो बोरिंग दे रखी है उससे पैसा भी आने हैं, वही इंटरेस्ट का काम करता है कंपनी। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का यहाँ पर देखिए कैश फ्लोज देखिए 19,19,000 करोड़ का कैश फ्लो है। इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद अगर शेयर केवल 100 रुपए पे 5 की वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो मुझे लगता है कि चीजें पे आपको ध्यान देना होगा। जो रूल यहाँ पर आप देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 75% के आसपास के शेयर है। FIs ने लगातार होल्डिंग बढ़ाई है, 1% से 2, 2 से 3, 3 से अभी आप देखोगे थोड़ी सी हिस्सेदारी कम हुई है। ठीक है, लगभग 0.5%, बट अभी भी 6.89% की होल्डिंग रखते हैं। सितंबर का ये डेटा है, अक्टूबर चल रहा है तो पिछले महीने तक 6.89% था। DIS की बात करें, DIS ने लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है। चीजें आपको समझनी है, ठीक है, आपको ही समझनी होगी, आपको ही देखना है, क्योंकि आपको ही लेना है या आपको बेचना है वो आपको देखना है। 7% के आसपास की हिस्सेदारी पब्लिक की है। इन्वेस्टर लगातार बढ़े हैं, 10,19,000 यहाँ पर इन्वेस्टर है। ठीक है, तो पब्लिक की हिस्सेदारी भी डिसेंट है। यहाँ पर DIS भी है, FIS भी है, प्रमोटर भी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी यहाँ पर इतने नजर आते हैं। तो आपको यहाँ पर चीजों को समझना है, उस तरीके से आपको यहाँ पर डील करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं कि किस तरीके से चलता हुआ नजर आता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को एक और नोटिफिकेशन को ऑन करना। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन, ये चीजों को सीखना है, वीडियोज देखनी है, उससे सीखना है, साथ में काम करना है तो भी इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके साथ में काम कर सकते हैं। 25,000 रुपये का कोर्स है, इस कोर्स को कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर को कब लेना है, कब बेचना है, ठीक है, वैल्यूएशन कैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बेकार है, वो यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। तो इन नंबरों पर नोट करके आप यहाँ पर हमारे साथ काम भी कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। 35 से 36% ये शेयर यहाँ पर गिर चुका है। ठीक है, जब 36% गिरा है तो मैं आपको लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि जब चीजें ऊपर जाएगी तो यहाँ पर आपको लगभग 55% के रिटर्न तो आपके यहाँ पर बन गए। ठीक है, जो कि शॉर्ट शॉर्ट जाती है और चीजें ऑलरेडी यहाँ पर गिरी है। जब यहाँ पर गिरी है ना तो यहाँ पर ज्यादा बिकवाली नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर चीजें केवल चीजें नीचे आई है, शेयर नीचे आया है, बट यहाँ पर बिकवाली नहीं हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी कि एक तो बेहतरीन सपोर्ट है उसके आसपास ही रुका हुआ है ये शेयर। अगर चीजें और गिरती है तो यहाँ पर एक और मेन सपोर्ट नजर आता है। ठीक है, उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। चीजें अगर नीचे गिरी तो यहाँ तक आ सकती है, लगभग लगभग इस लाइन तक 90 रुपए तक आ सकती है। ठीक है, और इसके बाद मुझे लगता है कि चीजें रिवर्स होगी, डेफिनेटली होगी, और जब रिवर्स होगी ना तो आपके रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे बेहतरीन। सबसे पहले तो 55% के रिटर्न यहाँ पर नजर आते हैं। चीजें और नीचे अगर आ जाती है तो अगर यहाँ तक आ जाती है तो 80% के रिटर्न तो यहाँ पर बन गए। ठीक है, बस आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम दोगे तो यहाँ पर अपने आप पैसे बनते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जब चीजें भागेगी तो यहाँ तक नहीं भागेगी, चीजों को यहाँ तक जाना ही जाना है। ठीक है, जो चीज नीचे जाती है ना, यू शेप रिकवरी होती है। जब यू शेप रिकवरी होती है ना उसमें टाइम लगता है, सालों का टाइम लगता है। जब यहाँ पर इयर्स का यहाँ पर जब ये निकलता है ना, तब यहाँ पर चीजें इस तरीके से जाती हुई नजर आती है और पैसे बनाती हुई नजर आती है, पूरा एक कटोरा बनाते हुए नजर आएगी। और जब ऐसा कटोरा बनाएगी तो केवल 80% के रिटर्न नहीं बनेंगे आपके, ठीक है, आपके रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे यहाँ पर ये वाले कितने, ये लगभग लगभग 250 से 300% के रिटर्न लगभग आपको 2-3 साल मुझे लगता है कि यहाँ पर ये शेयर इससे रिटर्न को अचीव करने में लगा देगा। अगर 2-3 साल में आपको इतने परसेंट के रिटर्न मिल जाते हैं तो कोई बेकार रिटर्न नहीं है, काफी बेहतरीन रिटर्न है। और एक बार जब चीजें यहाँ से निकलेगी ना तो बहुत दूर तक जाती हुई नजर आएगी। मेरी नजर इस शेयर पे है, मेरे पास ये शेयर नहीं है, बट हमने इस शेयर को 90 रुपए पे बहुत बार अपने क्लाइंट्स को बताया। उसके बाद चीजें 172 तक गई भी थी। ठीक है, उसके बाद चीजें नीचे आती भी नजर आ रही है, बट जिसे देखना आता है चार्ट, ठीक है, आप कभी मेरी क्लास में आओगे तो आपको बताऊंगा चार्ट कैसे। इस चार्ट में सिंपली दिखा रहा है कि मुझे मत बेचो, मुझे खरीदो, दिस इज अ टाइम कि यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। बट याद रखिएगा, मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर नहीं लेना है। मैं अपने लेवल बताते हुए नजर आ रहा हूँ, मैं अपने चार्ट का जस्ट आपको ज्ञान बताता हुआ नजर आ रहा हूँ कि एग्जैक्टली चीजें किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है। बाकी डिसीजन आपका है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी, चीजों को सीखने की कोशिश करें, वो मेरा कंसर्न रहता है, जो मैं आप पर हमेशा कोशिश करता हूँ। नंबरों को नोट करके कोर्स कर सकते हो, साथ में काम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को टॉल पर नोटिफिकेशन ऑन करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।